हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरडी सिंह। आज मैं जो है आप लोगों इस वीक की एक्सपायरी के लिए आप लोग बैंक निफ्टी में कौन सी स्ट्रैटेजी लगा सकते हो इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। अगर अब तक आप लोगों ने डीमेट अकाउंट नहीं बनाया तो ये डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इस लिंक पर क्लिक करके फ्री में डीमेट अकाउंट बना सकते हैं। एक भी पैसा आपको डीमेट अकाउंट बनाने का नहीं लगेगा और ऊपर से 30 डेज़ की फ्री ब्रोकरेज जो है मिलने वाली, मतलब 30 दिन तक आपको एक भी रुपया नहीं देना ब्रोकरेज पर। तो इस ब्रोकर पर तो ज़रूर अकाउंट जो है आप लोगों को बना लेना चाहिए। जीरोधा और अपस्टॉक पे बना सकते हो, तीनों ही ब्रोकर्स जो है काफ़ी अच्छे हैं। अब चलते हैं चार्ट के ऊपर, मार्केट में चल क्या रहा है ये ड्रामा। इसको जो है डमरू बना दिया, ऊपर जाता है तो ऊपर से पेलते हैं, नीचे जाता है तो नीचे से पेलता है। तो अभी ये कहाँ पर रुका हुआ है चार्ट, लेवल जो एक्सट्रीम लेवल्स हैं वो मैं पहले ही जो है बता चुका हूँ वीडियोज़ में। ये 34,300 का लेवल हमारे पास नीचे की साइड पर पड़ा हुआ है और ऊपर की साइड पे जो हमारे पास ये सबसे पहला लेवल ये जो आ रहा है ये है 36,700 से 36,800 की रेंज का है। तो अभी कहाँ पर पास में है, नीचे वाली साइड पे कल जो है ये लो बना के आया है, 34,900 को टच किया फिर जो है ऊपर निकल लिया। तो अभी हमारा व्यू है कि यहाँ से ये फिर जो है ऊपर जाएगा, बिकॉज इसको डमरू बना रखा है अभी, तो साइडवेज में मार्केट है। ऊपर जाएगा तो नीचे धकेला जा रहा है, नीचे जाएगा तो ऊपर धकेला जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों को ऐसी कोई स्ट्रैटेजी बनानी है जिसमें कि मार्केट जो है यहाँ से हमें प्रॉफिट देके जाए ऊपर की साइड पे। बट नेकेड मत बनाना, बिकॉज प्रीमियम्स जो है बहुत ज़्यादा हाई है, जिस वजह से प्रीमियम्स हम लोग नहीं चाहते कि अगर मार्केट यहीं पर 2-3 दिन तक जो है 35,600 35,700 की रेंज में अगर घूमता भी रह गया तो आप लोग प्रीमियम्स की वजह से ही जो है मार खा जाओ। तो अब स्ट्रैटेजी क्या बनाए, तो स्ट्रैटेजी बनाने के लिए हम जो है चलते हैं स्ट्रैटेजी बिल्डर पे, सेंसिबल पे जो है स्ट्रैटेजी बना के मैं दिखा रहा हूँ। अभी जो है हमें बुलिश व्यू मेरा है कि मार्केट जो है अपसाइड पे जाएगी अब दोबारा से ऊपर। तो यहाँ पर क्या स्ट्रैटेजी बनाए, यहाँ पर जो है 35,200 का कॉल ऑप्शन हम लोग बाय करेंगे और 35,500 का कॉल ऑप्शन हम लोग जो है सेल करेंगे। तो मेरे हिसाब से ये स्ट्रैटेजी इस वीक के लिए सबसे बढ़िया होनी चाहिए। परसों तक जो है मार्केट फिर से जो है रिट्रेस करेगा ऊपर की साइड पे, बिकॉज यही हो रहा है मार्केट में, साइडवेज में मार्केट है और डाउन साइड पे जाने के लिए कोई ऐसी न्यूज़ है नहीं जिसको सुन के या पढ़ के मैं कह सकूँ कि हाँ भाई ये कोई वैलिड न्यूज़ है, इस वजह से मार्केट डाउन जा सकता है। तो अभी ऐसी कोई न्यूज़ मार्केट के अंदर है नहीं जिस वजह से मार्केट हमें फॉल होता हुआ दिखे। तो यहाँ पर जो है बुलिश व्यू है हमारा, तो ये स्ट्रैटेजी मुझे लगता है अपसाइड के लिए हम लोग बना सकते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट्स हमारे पास आ रहे हैं 35,320 के और जो क्लोजिंग हुई है 35,228 की हुई है। तो 100 से 150 पॉइंट ऊपर जाते के साथ ही जो है हम लोगों को प्रॉफिट दिख जाएगा हमारे अकाउंट के अंदर, अगर वीक के अंदर जो है ये 35,320 से ऊपर क्लोज होता है। हमें जो प्रॉफिट होने वाला है इस स्ट्रैटेजी के अंदर 4,500 रुपये के करीब का प्रॉफिट होने वाला है। मैक्सिमम लॉसेज जो हमारे हो सकते हैं ये लिमिटेड है, इससे ज़्यादा लॉसेज हमें इस स्ट्रैटेजी के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे, जो कि है 3,000 रुपये के करीब के जो है हमारे लॉसेज हैं। रिस्क टू रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है लेकिन बुरा तो बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज 1:1 से अच्छा ही रिस्क टू रिवॉर्ड हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो कि है 1.49 का। और विनिंग प्रोबेबिलिटी भी जो है बहुत बढ़िया, 48% की विनिंग प्रोबेबिलिटी है। और यहाँ पर हमें जो फंड नीडेड है हमारी ये स्ट्रैटेजी 33,000 रुपये के अंदर जो है बन जानी चाहिए। मार्जिन नीडेड जो है ये है 20,000 रुपये हमें जो है लगने वाले हैं। तो ये मान के चलिए अगर आपके अकाउंट में 35,000 रुपये के करीब है तो आप लोग जो है इस स्ट्रैटेजी को बना लोगे अपने अकाउंट पे। और मुझे लगता है इस वीक के लिए जो है ये स्ट्रैटेजी सबसे बढ़िया है। ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना, मंडे को ओपन होते के साथ ही आपको स्ट्रैटेजी बनानी है आपके अकाउंट के अंदर। जैसे ही प्रॉफिट दिखे, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना का दिख रहा है हमें यहाँ पर 4,500 का दिख रहा है, जैसे ही आपको 1,000-1,500 रुपये दिखे निकल जाओ, दोबारा बना लेना जैसे, बिकॉज यहाँ पर जो है इसको बता ही दिया मैंने, इसको जो है तबला बना के रख दिया। मार्केट ऊपर जा रही है फिर नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है फिर नीचे आ रही है, तो जब तक ये साइडवेज में है आप लोग क्या करो, प्रॉफिट मिले निकलो, फिर दोबारा नीचे आएगी फिर दोबारा बना लेना इस स्ट्रैटेजी को। तो इस वीक के लिए मुझे लगता है ये स्ट्रैटेजी आप लोग अपने अकाउंट पे बना सकते हो। इसको जो है बुल कॉल स्प्रेड के नाम से जो है जाना जाता है। चैनल पे नए हो तो गलती से भी इस सब्सक्राइब बटन को मत दबा देना। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।